कोरोना वायरस को लेकर जहां देश में हवन और प्रार्थनाएं चल रही हैं, वहीं इसी कड़ी में समाज के द्वारा चर्च में प्रार्थनाएं की जा रही हैं और वायरस के खात्मे को लेकर दुआएं भी हो रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भी कोरोना वायरस से बचने और उसके खात्मे के लिए चर्च में दुआएं की जा रही हैं और प्रार्थना की गई। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद देश और प्रदेश में अलर्ट है, तो वहीं देश की जनता भी इससे बचने के लाख उपाय कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भी देश की जनता ईश्वर के चरणों में पहुंच गई है, जहां देश भर में दुआएं हो रही हैं, तो वहीं हवन और प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी शहर के चर्च में ईसाई समाज के द्वारा प्रार्थना की गई और कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआ की गई। मेरा नाम रेवरेंड ब्रिजेश मेंसल है और मैं फिलिप मेमोरियल चर्च पीलीकोट का सीनियर पास्टर हूँ, वरिष्ठ पास्टर हूँ, और मेरे साथ में मेरे सहायक पास्टर्स भी हैं। और वैसे तो हम लोग हर संडे प्रार्थना कर रहे हैं, और विशेष करके ये कोरोना वायरस के लिए जो इस समय पूरा संसार इससे जूझ रहा है, पूरे संसार में एक भय का माहौल है और हमारे हिंदुस्तान में भी ये आ चुका है, जैसे कि हम अखबार में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर महान है और वो हमारे हर एक ऐसी परेशानियों को, बीमारियों को वो दूर कर सकता है। और इसी के लिए हमने हमारी क्लर्जी की मीटिंग भी हुई थी, जितने भी मुरादाबाद के पास्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी, हमने उस दिन भी प्रार्थना करी थी और ये निर्णय लिया था कि हर एक चर्च जो है वो इस महामारी के लिए विशेष प्रार्थना करे, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, कि ये महामारी जो इस समय फैल रही है ये इससे सबको मुक्ति मिल सके और कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी हादसे इससे ना हो। और हम इसके लिए आज भी सुबह हमारे चर्च में इसके लिए विशेष प्रार्थना हुई और इलाहाबाद से भी हमारे पादरी साहब आए हुए थे, उन्होंने भी इस विषय में बताया और प्रार्थना करी और सारे लोगों ने आज इस कोरोना वायरस के लिए विशेष प्रार्थना करी। और हमारा विश्वास है कि ये कोरोना वायरस जो है ये हिंदुस्तान से और पूरे वर्ल्ड से ये ख़त्म होगा। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना अपने देश के लिए और अपने नगरवासियों के लिए करते हैं। धन्यवाद।